हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सोशल इश्यूज़ तक कंप्लीट हो गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज के डे आज हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन पढ़ने वाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पे रेयर डिजीज़ के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी डेप्थ में है ये दोनों आर्टिकल, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड आर्टिकल आज मैं स्टार्ट कर पाऊँगी। सो लेट्स सी, अगर टाइम बचेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। फाइन, तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप लोग आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और इससे आप लोग को सारे लेसन देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का पार्ट बनकर आप लोग सारे मंथ की यहाँ पे विज़न है इसकी जो डिस्कशन है उसको आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है कि वीज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है, हालांकि जो प्रीलिम्स होने वाली है यूपीएससी की वो आपकी 10 अक्टूबर को है, बट फिर भी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी ये ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इनसाइट आइज़ की भी करंट अफेयर्स की मंथली क्विज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ टोटल आपको टेस्ट यहाँ पे जीएस के देखने को मिलेंगे 20, और साथ ही आपको 4 टेस्ट मिलेगा सीसैट का। तो कम्प्लीट डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पर जाकर आप लोग पूछो पूछो इन द सेंस कि वहाँ पे आप लोग इंटरेस्टेड दिखाओ, और साथ ही साथ आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो आप लोग वहीं पे आप लोग अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल ऑक्सीजन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली आप देखो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये शॉर्टेज देखने को मिला ऑक्सीजन का बहुत सारे लोकेशन में। मुझे तो लगता है ऑल ओवर द इंडिया में ये कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण जो कि सेकेंड वेव चला, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हम लोग बहुत ही ज़्यादा मैसिव ह्यूज मास में हम लोग इस चीज़ को फेस किए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टच भी हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि कई लोगों के रिलेटिव्स जो हैं इसी कारण चले गए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया राइट टाइम पे। तो एक ह्यूज स्कार्सिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है। तो पहले इस टर्म को समझिए कि मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। मेडिकल ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि हाई प्योरिटी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, 21% जो हमारे इन्वायरमेंट में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट स्टिल वी नीड सम मोर ऑक्सीजन, और वो भी हाई प्योरिटी ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं या फिर किसी भी तरीके के बहुत सारे इलनेस को ट्रीट करने के लिए क्लिनिक में यूज़ करते हैं। और एक सैचुरेशन लेवल होता है, जैसे कि आप देखते हो कि ऑक्सीजन का जो है एक लेवल होता है। आज के भी डेट में आप लोग ऑक्सीमीटर से अगर आप लोग मेज़र करते हो तो उसमें आपको 98-97 देखने को मिलता है। 95-98 जो है वो नॉर्मल है। तो अगर इससे नीचे अगर ड्रॉप होने लगता है ऑक्सीजन लेवल, तो फिर क्या होता है कि क्रिटिकल हो जाता है, जिससे कि हम लोग को एक मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हाई प्योर जो है वो आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो मेडिकल ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है, जो कि हॉस्पिटल में और क्लिनिक्स में इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे बीमारी में इसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे जनरली मिनिमम 90% ऑक्सीजन होते, इट मीन्स कि O2 यहाँ पे 90% होता है ये मेडिकल ऑक्सीजन में, 5% नाइट्रोजन होते हैं एंड 5% ऑर्गन होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि मेडिकल जो ऑक्सीजन है इसमें 100% सिर्फ ऑक्सीजन होते, तो द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नो, द स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका 90% ऑक्सीजन होता है, 5% नाइट्रोजन एंड 5% ऑर्गन। अगर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात करें तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और हम लोग इसको बहुत तरीके से ऑप्टेन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि लिक्विफाइंग एयर, और ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है इसमें 99.5% प्योरिटी होती है, और इसको हम लोग बहुत बड़े प्लांट में मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिस टेक्निक को यहाँ पे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे आज के डेट में आप देखो कि जो एटमोस्फेरिक एयर है उससे हम लोग ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये एकदम प्योर ऑक्सीजन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिससे कि हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, यहाँ पर एक मेथड है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन को जो है वो हमारा बनाते हैं। ये जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है ये आपका सप्लाई किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जहाँ पे भी ज़रूरत होता है, यानी कि जहाँ पे भी आप लोग देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स में ज़रूरत होता है, तो वो इसको जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये न्यूज़ में बहुत था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही थी। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे जो एयर में ऑक्सीजन है ना उसको कंसंट्रेट करेंगे। इट मीन्स कि जो नेचुरल एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें से ये कंसंट्रेटर जो है ना उसको कंसंट्रेट करेगा, और फिर इस डिवाइस में वो प्योर ऑक्सीजन आपका फिल किया जाएगा। तो ये जो डिवाइस है ये हमारे सराउंडिंग एयर्स में ही से ऑक्सीजन लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन को वापस से एयर में आपका
भेज दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे एटमोसफेयरिक एयर में नाइट्रोजन की मात्रा है, फिर ऑक्सीजन की मात्रा है। तो इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में अगर कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी आ जाती है ना, तो उसको वापस से हम लोग एयर में इसको भेज देते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ये आप लोग देखो कि कंप्रेस्ड और डिस्पेंस्ड होता है, जिसमें 90-95% प्योर होता है। कंसनट्रेटर इसको हम लोग मल्टीपल ट्यूब्स के साथ अटैच कर सकते हैं, और दो पेशेंट को एक ही साथ जो है यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कि मेनली आप देख रहे थे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इससे एक ही पाइप लगता है और एक ही मरीज को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो ये आपका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, इससे क्या होता है कि दो पाइप लगा कर यहाँ पर, मान लीजिए ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, तो इसको दो पाइप लगाकर यहाँ पर दो मरीज को ये हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बात कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही थी। मैं खुद ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 में परचेज़ की थी स्टार्टिंग में, जब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि ऑक्सीजन की कमी है हमारे हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए हर कोई परचेज़ कर रहा था, तो हमने भी परचेज़ किया था। तो ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कंप्रेस्ड ऑक्सीजन और मेडिकल एयर सिलेंडर होता है, जो कि डेडिकेटली यहाँ पे आप देखो रिफिलिंग होती है, इसको बार बार फिल किया जाता है। वो भी आपने देखा होगा कि लंबी कतार में लोग खड़े थे ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल कराने के लिए। इसमें देखिए ऑक्सीजन और मेडिकल गैस को होल्ड करने के लिए इसमें कंटेनर होते हैं, और वो हाई प्रेशर में होते हैं, नॉन लिक्विड स्टेट में होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, नॉन लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे एक वॉल्व के साथ इसको फिक्स किया जाता है, और प्रेशर रेगुलेटर भी होता है, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रेशर को रेगुलेट भी किया जाता है। और वॉल्व होता है जिसको कि आप लोग देखते हो कि नोज़ में लगाया जाता है। और ये जो सिलेंडर है ये आपका स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कार्बन फाइबर होते हैं, और दूसरे कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं, जो कि बहुत सारे साइज़ में आपका अवेलेबल होता है। तो ये आप देख रहे थे 50 लीटर हो गया, 20 लीटर हो गया, 100 लीटर हो गया, तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये हमारा प्रेजेंट रहता है। इसमें हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस होते हैं, और इसमें कोई दूसरा टाइप ऑफ गैसेस नहीं होता है, यानी कि इस सिलेंडर में आप देखो कि कोई और गैसेस नहीं होते, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है। कोई और गैसेस रहेगा तो मे बी कंटामिनेशन हो सकता है, गंदगी आ सकती है, तो यहाँ पर कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होते, कोई और गैस यहाँ पे नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में हो गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होते। बट ये जो हमारा टेक्निक है जिसमें आप देख सकते हो कि क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन है, इसमें हमारा 99.5% जो है ये लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो 90% ऑक्सीजन होते, 5% नाइट्रोजन एंड 5% आर्गन होते हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड में क्या होता है कि ओनली ऑक्सीजन होता है। अगर हम लोग नेचुरल एयर से उसको एक्सट्रैक्ट करते, अगर उसमें नाइट्रोजन आ भी जाता है तो उसको वापस से एयर में भेज दिया जाता है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट की बात करें, ये भी बहुत न्यूज़ में था, पीएसए प्लांट, क्योंकि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट क्या होता है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग जो एयर है ना उससे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करते हॉस्पिटल में सप्लाई करने के लिए। मेनली इस तरीके का प्लांट आप देखोगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये प्लांट लगाए जाते हैं, जो कि अर्जेंट तरीके से उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल को काफ़ी हेल्प मिल जाता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, कि जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना तो कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, और कहीं से जो है एक होता है ना कि सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जो नेशनल ग्रीड है, जो मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं ना, उनके ऊपर भी बर्डन कम हो जाता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये आप लोग देखो जो नियर एम्बिएंट टेम्परेचर है ना, जितना भी टेम्परेचर है उसी में ये ऑपरेट हो जाता है। साथ ही एक स्पेसिफिक इनका एड्सॉर्बेंट मटेरियल है, यानी कि ये ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसमें जियोलाइट होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं, मॉलिक्यूलर यहाँ पे स्लेव्स होते हैं, सीव्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प होती है जिससे कि एयर से वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और हाई प्रेशर में ट्रैप करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये 92-95% तक प्योर होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, जैसे कि पूरे देश में हाहाकार मच चुका था कि ऑक्सीजन की कमी है, और नंबर ऑफ डेथ्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे थे, सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल। तो ऐसा नहीं था कि सरकार के द्वारा कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, तो इसे हम लोग समराइज करके देखते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे एम्पावर्ड ग्रुप सेकंड इसको सेट किया गया, इसको सेटअप किया गया, जिससे कि यहाँ पे जो इसको हेड कर रहे थे वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा इस एम्पावर्ड ग्रुप सेकंड को हेड किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार के द्वारा मैंडेट किया गया कि यहाँ पे मैनेज किया जाएगा जो भी मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई है या फिर ड्रग्स है जिसमें कि मेडिकल ऑक्सीजन भी आ रहे हैं, तो हमारे देश में इसको पूरी तरीके से सप्लाई किया जाएगा।
सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि आप देखो कि ऑक्सीजन का यूज़ इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसा जगह है जो नॉन मेडिकल पर्पस के लिए अगर ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है तो उसको टेम्प्रेरी के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और सारे ऑक्सीजन को, जैसे आप वेल्डिंग वगैरह में भी देखते हो कि गैरेज वगैरह में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ होता है, तो और भी जितने भी जगह अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, तो उसको वहाँ पर टेम्प्रेरी रेस्ट्रिक्ट किया गया और सारे ऑक्सीजन को सप्लाई किया गया हॉस्पिटल में। साथ ही इंटर स्टेट मूवमेंट को फैसिलिटेट किया गया सेंटर के द्वारा, अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको यहाँ पे काम पे लगाया गया। काम पे लगाना इन द सेंस कि उनको ऑर्डर दिया गया कि इंटर स्टेट मूवमेंट होना चाहिए वैसे व्हीकल का जो कि मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, और उनको कहीं पे भी रोकना नहीं है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वो जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना फ्री मूवमेंट था कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी उस तरीके के व्हीकल को बिल्कुल पास करना है, और ये चीज़ें फैसिलिटेट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। फाइन, उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाई गई। ये एक सब ग्रुप है जो कि फॉर्म किया गया, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी थे, साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी थे, जो कि एक साथ मिलकर इस तरीके के जो टैंकर्स हैं, यानी कि आप लोग देख रहे थे कि रेल ट्रेन में भी जो रो रो फैसिलिटी था, रोल ऑन रोल ऑफ, ये भी फैसिलिटी था जिसके थ्रू जो टैंकर्स हैं वो ट्रेन रेलवे के थ्रू भी जो है ये आपका पास हो रहा था। साथ ही जो ऑर्गन है और नाइट्रोजन टैंकर है इनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट भी किया गया। पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया कि जो ऑर्गन और नाइट्रोजन टैंकर है उसको कन्वर्ट करें और ऑक्सीजन टैंकर के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकें। साथ ही साथ PSA प्लांट का सेटअप भी किया गया। PM केयर्स फंड, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताना है कि PM केयर्स फंड का ये आपका सेटअप कब किया गया, किस साल में इसको बनाया गया, साथ ही साथ इसको मैनेज कौन करते हैं, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या है। ये तीन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये अप्रूवल दिया गया कि एलोकेशन होगा फंड का, कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो PSA प्लांट है उसको सेटअप किया जाएगा, जो भी हॉस्पिटल है और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे जो हमारे देश में है उसके अंदर ये प्लांट को जनरेट किया जाएगा। तो 551 डेडिकेटेड जो है वो आपका PSA प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जो फंड यहाँ पे दिया गया है वो PM केयर्स फंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाए जा रहे थे, ये रेलवे के द्वारा यहाँ पे आपका रन किया जा रहा था, जिससे कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन सिलेंडर जो यहाँ पे था उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था हमारे देश में। साथ ही फ्री मूवमेंट थी, जो ऑक्सीजन टैंकर इंटर स्टेट था ये भी फैसिलिटेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के। कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड कराओ, ये सारी चीज़ों को हटाया गया और फ्री मूवमेंट का यहाँ पे अप्रूवल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देखें तो वो टैंकर्स को और कंटेनर को जो भी यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर जा रहे थे ना, उनको यहाँ पे टोल प्लाजा में भी रोकने के लिए, यानी कि फ़ी के लिए उनको रोकने से मुक्त कर दिया गया। इट मीन्स कि वो फ्रीली मूव करते जा रहे हैं टोल प्लाजा में भी, उनको लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है टोल टैक्सेस को पे करने के लिए। फाइन, सो ये सारे स्टेप्स थे जो कि सरकार के द्वारा लिया गया। कुछ और भी एक दो स्टेप्स हैं, यानी कि स्टेट वाइज मैपिंग किया गया सिलेंडर्स का, एयर लिफ्टिंग, जो भी ऑक्सीजन टैंकर खाली है तो ऑक्सीजन सप्लायर्स के लिए, और एयर लिफ्टिंग किया गया। जैसे आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारे जो है वो एरोप्लेन थे जिसके थ्रू ये आपका जो है पहुंचाया जा रहा था। साथ ही साथ इंपोर्ट भी कराए हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन, 50,000 ये मेट्रिक टन तक हम लोग इंपोर्ट भी कराए। बहुत सारे देश थे जो कि आगे निकल कर आए और हमें सहायता दिए, उसमें आप लोग सिंगापुर देख लो, इंडोनेशिया देख लो, तो ये सारे कंट्रीज़ बहुत हेल्प किए। साथ ही यहाँ पर ऑर्डर भी हम लोग यहाँ पे प्लेस की है कि जिससे कि हम लोग 1,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर को दूसरे कंट्री से परचेज कर सकें। तो ये सारा काम भी हमारे द्वारा किया गया है, तो इनको सब इकट्ठा करके आपको समझना है। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि आप देखो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारे देश में ये सफिशियंट है, और स्टॉक भी है जिससे कि हम लोग आज के डेट में जो डिमांड है लोगों की वो फुलफ़िल कर सकते हैं। बट हमारे जो नीड ऑफ एन आवर है वो ये है कि हम लोग को सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि 24/7 ये राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन अवेलेबल रहे, वो भी वॉस्ट कंडीशन में। और वॉस्ट कंडीशन जो स्टेट है उसमें, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें कि 24/7 ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो हमारे यहाँ बेटर नहीं था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिला।
तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बट ऑक्सीजन सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था जिसके कारण इतनी प्रॉब्लम देखने को मिली। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करें, एनालिसिस करें कि हमारे देश में ऑक्सीजन का क्या डिमांड है और प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसा है। साथ ही स्टेट की अथॉरिटीज़ और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये ज़रूरत है कि रैशनल यूज़ करें मेडिकल जो ऑक्सीजन है ना उसको सही तरीके से यूज़ करें, कोई भी तरीके का ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट ना हो सके। तो वेस्टेज आप लोगों को पता है कि जितना खाने की वेस्टेज होती है आज के डेट में वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है, उसी तरीके से ऑक्सीजन की भी वेस्टेज होती है। तो सरकार हमेशा यही अपील करती है कि ऑक्सीजन को वेस्ट ना करें। ओके, सो ये कंक्लूजन है। आइए एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं और जो टेबल में आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये आपको बताया गया है कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस पूरी पूरी है। तो प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन आपको किस में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर में है जो हर एक हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलता है। अप्रॉक्स 99.5% यहाँ पर प्योर है। वहीं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो 90-95% प्योर है। ओके, ऑपरेशनल लाइफ स्पैन कितना है, कितने टाइम तक इसको चला सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है कि ख़त्म हो गया तो जब ज़रूरत पड़ा तो आप रीफिलिंग करा लो, लेकिन ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड में क्या है कि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप लोगों को बस पावर सोर्सेज की ज़रूरत है कि एयर से आप एक्सट्रैक्ट कर लो, तो अच्छी बात है। लाइफ स्पैन ऐसा कुछ नहीं है कि इस समय के बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। थर्ड है कि सुटेबिलिटी फॉर COVID-19 पेशेंट, जिनको COVID-19 हो गया है उनके लिए क्या सुटेबल है, क्या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सुटेबल है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर सुटेबल है। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये लोग हर एक तरीके के जो COVID-19 पेशेंट हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो माइल्ड और मॉडरेट जो COVID-19 पेशेंट है ये गुड इनफ है कि उनके लिए हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं, बट जो ICU में पेशेंट है उनके लिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि उनके लिए हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ करें, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ही है या फिर वेंटिलेटर ही होता है। ठीक है, रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में लो से मॉडरेट है, वहीं अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे हाई भी है। पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो पोर्टेबिलिटी में आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बहुत ही लाइट वेट का होता है, पोर्टेबल है कि एक जगह से आप दूसरी जगह आराम से लेकर जा सको। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर्स जो है वो बल्की होते हैं, हैवी होते हैं। अगर आप लोग 50 लीटर, 100 लीटर या इससे भी बड़ी वाली अगर परचेज़ करो तो वो बहुत बल्की होते हैं, आप उसको अकेले जो है हैंडल नहीं कर सकते। टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर सिलेंडर में अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है जो कि लिक्विड जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको वो स्टोर कर सके। क्रायोजेनिक टैंकर कहने का मतलब है कि एक ऐसे टैंकर होते हैं जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसमें एक्चुअली नेगेटिव में टेम्परेचर होता है। ये जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है ये हम लोग नेगेटिव में टेम्परेचर होते हैं उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है जो ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग ऑक्सीजन फिल करते हैं। वहीं अगर हम लोग कंसनट्रेटर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव आप लोग देखो कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते वो लेस एक्सपेंसिव होते यानी कि सस्ते होते, वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात करें तो ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, सिलेंडर से ज़्यादा जो महंगे होते वो यही होते हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में, बहुत ही अच्छा। चलिए और देख लेते, एक रीज़न अगर आप ये समझते हैं कि क्यों शॉर्ट सप्लाई हो गया ऑक्सीजन का अचानक से, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला ना कभी समझ पाए कि ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसे भी दिन देखने को मिल सकता है जब हमारे पूरे एयर में 21% ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी ये देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोगों की जान चली गई। बहुत ही व्यवहार लगता है, अनएक्सपेक्टेड लगता है इस तरीके की चीज़ें, लेकिन फिर भी समझते कि क्या रीज़न था जिससे शॉर्ट सप्लाई हो पाया ऑक्सीजन। तो देखिए बहुत जल्दी से डिमांड बहुत राइज हो गया था, यानी कि सडन आप देखो कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। तो अगर किसी चीज का सडन राइज हो जाए डिमांड तो थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है सप्लाई चेन में। सेकंड है कि मोस्ट जो गैस प्लांट है वो यहाँ पे इंडस्ट्री जोन के बगल अगल बगल आपका लोकेटेड है, तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा उसका यूज होता था। थर्ड है यहाँ पे कि शॉर्टेज है हमारे यहाँ क्रायोजेनिक वेजल का, क्रायोजेनिक टैंकर की हमारे यहाँ की कमी है। क्रायोजेनिक टैंकर कहने का मतलब है कि उसमें नेगेटिव टेम्परेचर में यानी कि 150-180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ऑक्सीजन को रखा जाता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में, तो ऐसे टैंकर की हमारे यहाँ कमी है। अगर ऐसे टैंकर होते तो हम लोग ईजिली इसको ट्रांसपोर्ट कर पाते, सप्लाई हो पाता ऑक्सीजन इंटर स्टेट भी, बट यहाँ पर टैंकर की कमी है इसलिए ये काम नहीं हो पाया।
नेक्स्ट रीज़न है कि वेस्टेज। आपको पता है कि प्योर स्टोरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ बहुत कमी है हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। फिफ्थ है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे छोटे स्टोरेज के लिए होता है। आप देखो कि जो हाई डिमांड है, हमारा हाई डिमांड हो गया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ पाई, तो वो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हॉस्पिटल में मेनली आप देखो कि तो छोटे साइज़ के सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरर और जो बॉटलर्स हैं वो यहाँ पे नहीं चाहते कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें क्योंकि इसकी जो शॉर्ट लिव डिमांड है, इट मीन्स कि ये जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं की जा रही है, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट करके इसको जो रखा जाता है ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डिमांड बहुत कम है और उस तरीके का ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके रखें तो उसकी लाइफ बहुत कम है। साथ ही रैम्पेंट होर्डिंग देखने को मिला, यानी कि अचानक से आप देखो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो ब्लैक मार्केट थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि उस समय ऐसा लग रहा था कि ह्यूमैनिटी तो बेचा चुकी है, वो ह्यूमैनिटी बिक चुकी है और लोग जो है जान के बदले इतना ज़्यादा पैसा ले रहे थे। तो मैं खुद 50,000 में परचेज़ की हूँ, आप लोग भी बहुत लाखों लाखों में परचेज़ किए होंगे। तो यही कारण है, ये सारे रीजंस थे जो कि शॉर्ट सप्लाई होने लगा, बहुत सारे जो होल्डर्स थे वो अपने पास रख लिए और उसके बाद जो है इसको अवेलेबल नहीं करा पाए। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हाउ इज़ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर्ड, कैसे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये जो एयर है जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ जो परसेंटेज होते हैं वो अदर गैसेस होते हैं। देखिए, गैस प्लांट है जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से जो है उसको सक करते हैं, फिर कंप्रेस्ड एयर है जिसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योरीफाई इन द सेंस कि कोई और जो यहाँ पे गैसेस, आप देखो एयर में कितना डस्ट होता है, पोल्यूशन है, तो उसको रिमूव किया जा रहा है और प्योरीफाइड एयर को ठंडा किया जाता है, वो भी -10 to -15 डिग्री सेल्सियस में। फिर गैसेज यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो गैसेज है ना उसको हटा दिया जाता है बर्निंग प्रोसेस के थ्रू, कोई भी आपका गैसेज प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर है इसको -165 डिग्री सेल्सियस में कूल्ड किया जाता है और -165 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में -165 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि लिक्विड जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो -165 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर करके भी रखना होता है और इसके लिए क्रायोजेनिक टैंक का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, और उसकी शॉर्टेज देखने को मिलती है हमारे देश में। उसके बाद जो ये लिक्विड ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्रायोजेनिक वेसल्स में कलेक्ट करते हैं और टैंक में कलेक्ट करते हैं और नाइट्रोजन को कलेक्ट किया जाता है एक अलग से टैंक में और फिर हम लोग यहाँ पे एक कूलेंट को यूज़ करते हैं प्लांट के लिए जो इसको मेंटेन कर सके, यानी कि स्टोरेज सही तरीके से हो सके। फाइन, तो ये पूरी तरीके से ऑक्सीजन का हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग समझ गए, प्रोसेस भी समझ में आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल ऑक्सीजन। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन इट मीन्स कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें 90% ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 5% नाइट्रोजन एंड 5% ऑर्गन। बहुत सारे मेथड है जिससे कि हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन को बनाते हैं। सबसे वन है, फर्स्ट है यहाँ पे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, थर्ड है यहाँ पे प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन PSA, ये आपका मेथड है जो कि प्लांट्स में मिली आपका हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि सबसे पहले एम्पावर्ड ग्रुप को सेटअप किया गया, टेम्प्रेरी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कोई भी नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ और ऑक्सीजन, थर्ड है कि इंटर स्टेट मूवमेंट को फैसिलिटेट किया गया, फ्री मूवमेंट, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट किया गया डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, साथ ही PSA प्लांट जो है उसको सेटअप करने की बात की गई है, 551 डेडिकेटेड PSA मेडिकल ऑक्सीजन हमारे जो है देश में इसको सेटअप किया जाएगा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फ्री मूवमेंट हुआ, जो ऑक्सीजन टैंकर है उसका फ्री मूवमेंट किया गया। कुछ और भी स्टेप्स है, यानी कि हम लोग दूसरे कंट्री से भी, बाहर के कंट्री से भी मदद लिए हैं, तो उससे भी हम लोग बहुत तरीके का ऑक्सीजन सिलेंडर आया है हमारे पास, ऑक्सीजन टैंकर आया है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग जो है मिलकर आज के डेट में नॉर्मल सिचुएशन जो है थोड़ी सी नॉर्मल हुई है पहले के कंपैरिजन में। कंक्लूजन भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कमिंग टू द नेक्स्ट, रेयर डिजीजेस। तो रेयर डिजीजेस मतलब आप लोग समझ सकते हो, रेयर कहने का मतलब है कि बहुत कम, ठीक है, तो उस तरीके की बीमारी के बारे में बात किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अगर हम लोग देखें तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 ये अप्रूव कर दिया गया है। तो अब ये एक नया पॉलिसी निकल कर आ गया है रेयर डिजीज़ के बारे में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अगर देखें तो नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ 2017 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, यानी कि काफ़ी चैलेंजेस फेस की जा रही थी, कॉस्ट इफेक्टिव का इशू था कि सही तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे हेल्थ चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी को यहाँ पे बनाया गया था 2018 में और ये जो पॉलिसी थी इसको रिव्यू किया गया, फिर उसका रिव्यू करने के बाद ये नया आपका लेकर आया गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रेयर डिजीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे देश में आप देखो कि रेयर डिजीज़ के 7,000+ टाइप्स है जो कि रेयर डिजीज़ है, यानी कि बहुत ही कम कुछ किसी लोगों को होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि 80% जो रेयर डिजीज़ है ना, वो यहाँ पे फॉल्टी जीन के कारण होते हैं। यानी कि जीन क्या होता है, देख जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे आप लोग कहते हो कि आपकी आंखें मम्मी की जैसे है, आपके बाल पापा के जैसे हैं, और कुछ भी आपकी जो नेचर है वो मम्मी पे गया है, शॉर्ट टेम्पर हो पापा पे गए, तो ये क्या हो गया, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उसी तरीके से अगर मम्मी पापा को शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो इसी से डिजीजेस भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो कुछ रेयर डिजीज़ होते हैं जो कि किसी पेरेंट्स को होते हैं ना, तो वो उनकी जेनेटिक डिजीजेस भी कह सकते हैं जो कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये मेन कॉजेज है रेयर डिजीजेस का। इफेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यूएसए में, इंडिया में, चाइना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 70 मिलियंस इंडियन है, 30 मिलियंस अमेरिकन है, एंड 315 मिलियंस पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे रेयर डिजीज़ के कारण जूझ रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हो रहा है रेयर डिजीज़ का, आप देखो कि मोर पीपल पे इम्पैक्ट हो रहा है देन कैंसर या एड्स का। तो ये दोनों का अगर आप लोग कंबाइन भी कर ले, क्योंकि आप लोग अपने अगर अगल बगल अगर आप लोग देखो बेबी, तो हर एक सेकंड या थर्ड पर्सन को आज के डेट में कैंसर हो रहा है, चाहे वो कोई भी टाइप का कैंसर क्यों ना हो। और एड्स भी होते लोग बताते नहीं हैं। तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन भी कर लो ना, तो इससे ज़्यादा लोग हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड ये तकलीफ़ में है, वो भी रेयर डिजीज़ के कारण। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो नो FDA अप्रूव्ड क्योर्स, तो यहाँ पे ओनली 5% जो है वो अगर देखें तो रेयर डिजीज़ के लिए यहाँ पे FDA जो है अप्रूव किया गया है ड्रग्स ट्रीटमेंट का। तो सिर्फ 5% जो रेयर डिजीज़ है उसी में ये फ्री ड्रग्स जो है आपको देखने को मिला कि अप्रूव किया गया है ड्रग्स ट्रीटमेंट का। तो ड्रग्स ट्रीटमेंट अप्रूव किया गया फ्री ड्रग्स, तो बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 5% ही यहाँ पे देखा जा रहा है मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। तो चलिए ठीक है, फिर भी ये देख लीजिए कि चाइना में सबसे ज़्यादा और थोड़ा सा कम इंडिया में, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के रेयर डिजीज़ से लोग जूझ रहे हैं। अब देखते हैं रेयर डिजीज़ के बारे में। एक्चुअली देखिए कि यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसे हम लोग रेयर डिजीज़ कहेंगे, बट थोड़ा बहुत जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इनफ्रिक्वेंटली है, जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिलता है। 1000 पॉपुलेशन में अगर एक लोग को होता है तो उसे हम लोग रेयर डिजीज़ कहते हैं। और 3 इंडिकेटर ये यूज़ किया गया है कि रेयर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको ये डिजीज़ हुआ है, इनका प्रेवलेंस कितना है, यानी कि कितना ज़्यादा ये अकर हो रहा है उस सर्टेन एरिया में, जितने पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों को हो रहा है। साथ ही यहाँ पे इसके लिए ट्रीटमेंट कितना है, क्या ट्रीटमेंट की ऑप्शन है या फिर नहीं है। ये 3 ऐसे यहाँ पे इंडिकेटर है जिससे पता चल जाता है कि अच्छा ये डिजीज़ जो है वो आपका किसके कैटेगरी में है, तो ये आपका रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में है। लेकिन हाँ, WHO के बारे में, WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डिफाइन किया जाता है, तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो रेयर डिजीज़ है ये ऑफन यहाँ पे कहा गया है कि लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है और एक तरीके का डिसऑर्डर है जो कि 10,000 पीपल्स में से 10 से भी कम लोगों में देखने को मिलता है। अगर ये डिजीज़ हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग है, पूरे आजीवन रहेगा, और ये 10,000 पीपल्स में से ओनली 10 या 10 से भी कम कहा गया है कि वैसे लोगों में ये आपका प्रेवलेंट देखने को मिलता है। और 1000 पॉपुलेशन में अगर एक लोग को हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेयर डिजीज़ कहते हैं, फाइन। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको कहें तो रेयर डिजीज़ को दूसरे टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम लोग ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं, यानी कि डिजीज़ जो कि यहाँ पे ऑर्फन ड्रग्स के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। ऑर्फन कहने का मतलब कि जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई भी, आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होता, तो इसलिए इसको ऑर्फन डिजीज़ कहा गया है। न्यू डिजीज़ अगर हम लोग देखें तो हर एक साल ये डिस्कवर किया जाता है, फिर उसको डेटाबेस में ऐड किया जाता है और उसको ऑर्फनेट डेटाबेस जो है उस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है। और ये जो मेंटेन किया जाता है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और ये आपको फ्रीली एक्सेसिबल होता है हर किसी को, ये डेटाबेस जो है कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी रेयर डिजीज़ यहाँ पे इंक्लूड हुआ है तो एनीवन कैन यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे रेयर डिजीज़ के बारे में। लेकिन फिर भी देखते कि इंडिया में इशू क्या है रेयर डिजीज़ को लेकर। इंडिया में सबसे बड़ी इशू है कि डेफिनेशन नहीं है। एक डेफिनेशन होगा तब तो समझेंगे ना। आज के डेट में कोरोना वायरस के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि किसे कहते हैं कोरोना वायरस और क्या सिम्टम्स है जब किसी को भी कोरोना वायरस हो जाता है। तो ये जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक पीपल्स में ये डिलेमा होगा, कन्फ्यूजन होगी। तो वही चीज़ें हैं कि हमारे पास जो है ना डेटा है ना इसके बारे में डेफिनेशन है। सेकेंड है कि अर्ली डायग्नोस। अगर हम लोग देखें कि रेयर डिजीज़ को सबसे पहले डायग्नोस करना, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि एकदम टाइम पे इसको डायग्नोस कर लेना, क्योंकि देखिए लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोग क्या, डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि रेयर डिजीज़ होते कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, इसको अर्ली डायग्नोस कब करना है, इन सब के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी केयर भी नहीं मिल पाता,
सेकंड थिंग है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा, जब डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे, तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जो है वो फ्री सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है वैसे पेशेंट को जिनको रेयर डिजीज़ है, और ये आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक ही अवेलेबल होता है इंडिया में। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि जो फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, यानी कि थैलेसीमिया चाइल्ड को यहाँ पे फ्री ब्लड दिया जाता है, कुछ थैलेसीमिया करके एक आपका प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ होता है जो कि रेयर है, यानी कि बच्चों में खून की कमी, बहुत ज़्यादा कमी, हमारे जो बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाएगी, तो आपको वीकनेसेस देखने को मिलेगा, टाइटनेस देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो फ्री उनको ब्लड दिया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो अभी भी कानून लाने की ज़रूरत है जिससे कि ये जो ऑर्फन ड्रग्स है उसको हम लोग डेवलप कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अगर पेशेंट पूल अगर देखें तो बहुत कम है, यानी कि 1000 में तो एक पेशेंट को देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे प्रोहिबिटिव है कि उसको उसके लिए जो है ना कोई भी हॉस्पिटल में आप देखो कि ट्रीटमेंट का प्रावधान होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे एक लोग होंगे वो भी 1 साल 2 साल 10 साल में एक बार अगर ऐसे पेशेंट आएंगे तो कोई भी हॉस्पिटल उस तरीके की ट्रीटमेंट क्यों प्रोवाइड करेगा, उनको तो यहाँ पर घाटा होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कमी देखने को मिलती है, बहुत सारी चैलेंजेस है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट की मात्रा बहुत कम है तो इसके ऊपर कोई यहाँ पे रिसर्च भी नहीं करते। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक अगर एलोकेशंस डिलेमा देखें तो वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स भी हैं। इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो कि मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स है उनको यहाँ पे बहुत छोटे अमाउंट में जो चीज़ें हैं वो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है और वो एलोकेट भी किया गया है। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे रेयर डिजीज़ के फंडिंग ट्रीटमेंट के लिए अगर देखें तो ये मच ग्रेटर सोर्स होगा जो कि रिसोर्सेज होगी जो कि ज़रूरी है हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ पर एड्रेस करना, बट यहाँ पर बहुत कम हो पाता है, यानी कि इतने कम लोग हैं कि इनकी हेल्थ को एड्रेस ही नहीं किया जाता। आप देखो 1000 में एक लोग को अगर थैलेसीमिया है तो कोई उस पर दिमाग नहीं देगा, कोई उसको जो है ना कहीं का नहीं, एक टाइम के लिए आप सोचोगे फिर आप भूल जाओगे, लेकिन वही 1000 में से 900 को अगर कोरोना वायरस है तो सब कोई बोलेगा, सब कोई देखेगा, सब कोई इसमें अटेंशन देगा, तो यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन की देखने को कमी देखने को मिलती है। सो दीज आर द चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि क्या प्रोविज़न है इस पॉलिसी का, जो पॉलिसी लाया गया है तो इसमें देखते क्या बातें रखी गई है। पॉलिसी में है कि पब्लिक हेल्थ और जो हॉस्पिटल है ये स्टेट सब्जेक्ट है। अब 7th स्कीड्यूल जो हमारे संविधान में है उसमें 3 स्टेट देखने को मिलता है, सेंट्रल स्टेट सॉरी 3 लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट है यहाँ पे, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें पार्लियामेंट कानून बनाते हैं, जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल ये दोनों कहाँ हैं, तो स्टेट लिस्ट में है। तो स्टेट लिस्ट में है, यानी कि यहाँ पर आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से एम्पावर किया गया है, इंकरेज किया गया है कि वो यहाँ पर इसके लिए काम करे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए हेल्प करेंगे। तो मेन प्रोविजन क्या रखा गया है इस पॉलिसी में, इस पॉलिसी का एम क्या है, इस पॉलिसी का एम यही है कि जो रेयर डिजीज़ेस है ना उनकी जो प्रिवलेंस है उसको कम करना, ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये रेयर डिजीज़ एक खतरनाक साबित हो जाए। साथ ही अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे यहाँ इसके ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है, ये एम है। कैटेगराइज़ किया गया है रेयर डिजीज़ को 3 ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो कहा जा रहा है कि डिसऑर्डर अमेंडेबल होगा, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना है, साथ ही लॉन्ग टाइम यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। अगर कोई डिजीज़ ऐसा रेयर डिजीज़ है जो कि लाइफ लॉन्ग है तो उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है तो उनको वन टाइम ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, और कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है बट चैलेंजेस है कि वो ऑप्टिमल पेशेंट है, सिलेक्शन फॉर बेनिफिट बहुत हाई कॉस्ट लग सकता है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यानी कि ऐसे पेशेंट है जिनकी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत ही महंगे हैं। फिनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे रखा गया है कि असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 20 लाख का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वैसे पेशेंट को जो कि रेयर डिजीज़ से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और ग्रुप 1 के अंडर, यानी कि ग्रुप 1 के अंदर, यानी कि एक टाइम अगर उनको ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक हो गए, तो वैसे लोगों को 20 लाख यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ एक बाकायदा स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो इसके तहत यहाँ पर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय आरोग्य नीति है क्या, तो एक्चुअली ये एक तरीके का स्कीम है जिसमें कि फिनेंशियल असिस्टेंस पैसे के रूप में पेशेंट को यहाँ पे हेल्प किया जाता है जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के हुए और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि ऐसे डिजीज़ से वो जूझ रहे जिससे उनकी जान भी जा सकती है और मेडिकल ट्रीटमेंट वो रिसीव करना चाह रहे, तो उनको यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। साथ ही बेनिफिशरीज़ है इस तरीके के फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है जो कि यहाँ पे बीपीएल फैमिली को लिमिटेड नहीं है, बट एक्सटेंड किया जा रहा है कि 40% पॉपुलेशन को वो दिया जाए। हमारे यहाँ जो आयुष्मान भारत के तहत आप देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें कि अफोर्डेबल मेडिसिन यहाँ पे जो जेनरिक मेडिसिन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है, और वो भी सिर्फ आपका गवर्नमेंट की टर्शरी हॉस्पिटल में ही देखने को मिलेगा।
फॉर डिजीजेज जो कि ग्रुप टू में है, तो उसके लिए क्या रखा गया। ग्रुप टू कहने का मतलब है कि जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने वाला है। तो उसके लिए क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उस तरीके के पेशेंट को सपोर्ट किया जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप वन में, यानी कि एक बार अगर आपको क्योर करके, आपको ट्रीटमेंट देकर आप क्योर कर सक हो सकते हो, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपका हेल्प करेगी। लेकिन अगर कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है तो उसमें आप देखो कि यहाँ पे आपको कौन हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अगर फंडिंग मेकैनिज्म में देखें तो यहाँ पे प्रोविज़न है वॉलेंट्री क्राउडिंग फंडिंग का, यानी कि अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करना है तो वो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, इंडिविजुअल भी यहाँ पे वॉलेंट्री तरीके से अपना फंडिंग दे सकते हैं। और किसके तहत, तो ये आपका ग्रुप थ्री के तहत। तो ग्रुप थ्री कहने का मतलब है कि वैसी डिजीज़ जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रेयर डिजीज़ की बात की जा रही है, जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि इस तरीके से बेनिफिट का सिलेक्शन करना कि किनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाए और किनको यहाँ पे हाई कॉस्ट जो है, ये बहुत हाई कॉस्ट है तो हाई कॉस्ट देने की बात की जा रही है। तो वैसे में क्या रखा गया कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ग्रुप वन में कौन यहाँ पे साथ देंगे, तो ग्रुप वन में सेंट्रल गवर्नमेंट साथ देंगे और 20 लाख रुपीज़ दी जाएगी। ग्रुप टू में यहाँ पे जो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है तो ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देखेंगे। ग्रुप थ्री में जहाँ पे हाई कॉस्ट है तो यहाँ पे फंड जुगाड़ने की बात की जा रही है कि यहाँ पे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू फंड यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और निदान केंद्र भी हैं, तो कुछ यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा गया, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल पे वो इंस्टीट्यूट है, तो उनके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 5 करोड़ का। 5 करोड़ का यहाँ पे जो करोड़ का यहाँ पे जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। वही निधि केंद्र की बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा, और ये भी यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर के तहत, जिसमें कि स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और जो काउंसलिंग है फॉर रेयर डिजीज़ के लिए किया जाएगा। डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, कि डेटा अगर अवेलेबल होगा तभी इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट कर पाएंगे एक बेटर तरीके से, और डेटा होगा तो यहाँ पे साइंटिस्ट भी अपना इंटरेस्ट दिखा पाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। साथ ही अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाना है ड्रग्स का, वो भी रेयर डिजीज़ के लिए, और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेटेड जो रिसर्च पाइपलाइन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके ये रेयर डिजीज़ के लिए न्यू ड्रग्स वगैरह, और अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लोगों में सबसे पहले यही बतानी है कि व्हाट इज़ रेयर डिजीज़, और इसका एक फिक्स डेफिनेशन भी होना चाहिए जिससे कि लोग इसको कंसीडर कर सके, और साथ ही साथ अवेयरनेस हो कि रेयर डिजीज़ के क्या यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं और क्या यहाँ पे कैसे जो है वो अर्ली डायग्नोस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं अदर कंट्री से, तो USA, सिंगापुर और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया है जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं। USA में एक बाकायदा कानून है जो कि आज का नहीं है, ये ऑर्फन ड्रग्स एक्ट 1983 का है। इसमें क्या है कि कंपनीज जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, मार्केट एक्सक्लूसिविटी, टैक्स इंसेंटिव्स और जो ग्रांट है वो दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि थेरेपी डेवलप होते हैं, ऑर्फन ड्रग्स डेवलप होते हैं, वो भी रेयर डिजीज़ के लिए। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पे फंड क्रिएट किया गया है, रेयर डिजीज़ चैरिटी फंड है, जिसको कि यहाँ पे 5 मेडिसिन्स के लिए फंड किया जाता है और 3 रेयर जो डिजीज़ कंडीशन है उसके लिए। मलेशिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सब्सिडाइज्ड एसेस है यहाँ पे एलिजिबल पेशेंट के लिए, कि उनको यहाँ पे जो महंगे और लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो यहाँ पे सस्ते दाम पे उपलब्ध हो। तो ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये समझ के। आइए एक चीज़ और देखते हैं, डिड यू नो, यानी कि फर्स्ट जो पहली बार रेयर डिजीज़ ये मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था 2008 में 29 फेब को किया गया था। तो 29 फेब जो कि अपने आप में रेयर है, हर एक 4 साल के बाद देखने को मिलता है, बट इसको शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो कि कोई भी डे को सेलिब्रेट करते हैं तो अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का रहे कि 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करेंगे तो लोग तो इसको भूल ही जाएंगे, इसलिए हर साल जो है इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो इसको चेंज करके ये किया गया कि एटलीस्ट जो है लास्ट डे ऑफ जो फरवरी है उसमें इसको सेलिब्रेट कर सके। तो लास्ट डे ऑफ फरवरी, चाहे वो 28 फरवरी हो और 4 साल के बाद अगर 29 फरवरी है, तो उसमें भी इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। इस बार का थीम क्या था रेयर डिजीज़ सेलिब्रेशन का? तो रेयर इज़ मेनी, रेयर इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रेयर इज़ प्राउड। ओके, तो ये रही इसके बारे में। एंड येस, सम ऑफ द जो अगर रेयर डिजीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एटैक्सिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, एंड यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा गया है, और ये एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है, एनीमिया है। ओके, मस्कुलर ये डायस्ट्रॉफी है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्वीट सिंड्रोम है, एंड पेडियाट्रिक ये समथिंग है, कार्डियोमायोपैथी है। तो ये सारे कुछ ऐसे रेयर डिजीज़ है जिसको जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए एक बार समराइज़ कर लेते हैं।
एक्चुअली इस बार न्यू यहाँ पे पॉलिसी निकल कर आई है, विच इज़ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज 2021। बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि इस तरीके के कानून को ऑलरेडी 2017 में बना चुके थे, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा चैलेंजेस फेस किया जा रहा था, इसलिए इस बार आपको न्यू देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो कंट्री ये जूझ रही है रेयर डिजीज़ से, तो वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है। मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रेयर डिजीज़ का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, नॉट इवन इन इंडिया। और WHO के द्वारा कहा जाए तो WHO के द्वारा थोड़ा एस्टिमेट लगाया गया है कि 10,000 में अगर लेस देन 10 पीपल को इस तरीके की डिजीज़ होते तो डैट शुड बी कंसिडर्ड एज रेयर डिजीज़, और 1,000 में अगर एक पीपल को अगर होता है इस तरीके का डिजीज़ तो डैट शुड बी कंसिडर्ड अगेन एज रेयर डिजीज़। ओके, इसे ऑर्फन डिजीज़ कहते हैं, और इसी के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसे ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। इशू क्या है इंडिया में? इशू है कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, अर्ली डायग्नोस करने का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट है इस ट्रीटमेंट का, साथ ही चैलेंजेस है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है तो लोग यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, साथ ही काफ़ी तरीके का डिलेमा है। प्रोविज़न क्या क्या दिया गया है पॉलिसी में कि सबसे पहले पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल, जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। एम है इस पॉलिसी का कि जो रेयर डिजीजेस की प्रेवलेंस है उसको कम करना है, अफोर्डेबल हेल्थ एक्सेस यहाँ पे बढ़ानी है, साथ ही लोकल प्रोडक्शन करना है मेडिसिन का, और फोकस करना है हमारे यहाँ के रिसर्च सिस्टम में। कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप 1 है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेंगे 20 लाख रुपीज़, एंड ग्रुप 2 है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे करेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग डिजीजेस, ग्रुप 3 है जिसमें कि आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है बट वेरी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन का व्यवस्था किया गया है। तो फिनेंशियल सपोर्ट देख लिए, ऑल्टरनेटिव फंडिंग भी देख लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि डेटा होंगे तो रिसर्च होगा तो यहाँ पे अफोर्डेबल मेडिसिन ड्रग्स आ पाएंगे और अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होगा, और कुछ कंट्रीज से भी हम लोग यहाँ पे सीख लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रेयर डिजीज़ टॉपिक, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अब हम लोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, अच्छा है कि सरकार कुछ तो काम कर रही है जिससे कि समझ में आए कि इस तरीके के भी जो ग्रसित लोग थे उनको यहाँ पे रिलीफ मिल पाएगा। ओके, सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक कर दीजिए, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। साथ ही अपने दोस्तों के साथ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और डेली 4 बजे मेरे साथ ये विज़न IAS मैगजीन की जो करंट अफेयर्स है उसकी डिस्कशन को यहाँ पे सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतना, थैंक यू।